सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद। ओके, आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत बातचीत का विषय हो गया है, बहुत हम लोगों ने प्रैक्टिकली उसको जान लिया है और जिसके बारे में पहले हम लोग थ्योरी ही जानते थे उसकी, ई लर्निंग। ओके, तो ई लर्निंग में बहुत सारी बातें आती हैं और मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपसे बहुत सारे पहलुओं को टच करते हुए मैं ई लर्निंग के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, एजुकेशन 4.0, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, डिजिटल नेटिव्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल नेटिव्स। क्यों? क्योंकि जब इन सारी बातों को करते हुए हम ई लर्निंग को समझेंगे तो हमें ई लर्निंग की सार्थकता समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, अपना वीडियो हम लोग, और शुरू यहीं से करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्यों पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्यों बता रही हूँ मैं आपको? क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई है, जैसे जैसे इसने अपने आप को प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेस हुई है इसमें, वैसे वैसे इन अकॉर्डेंस टू इट, इन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इट, एजुकेशन ने भी अपने आप को मोल्ड किया है या करना पड़ा, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो हम उससे पीछे छूट जाते और हम फिर गैप आ जाता। तो सबसे पहले जो 1.0 की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1.0, तो वो मैकेनाइजेशन का युग है। इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम और इम्फेसिस नहीं देंगे, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। फिर हम और आगे बढ़े तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन पे पहुंच गए, इलेक्ट्रिफिकेशन से आगे हम ऑटोमेशन पे पहुंचे, और ऑटोमेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन आता है। ग्लोबलाइजेशन जो युग है वो हम सब लोगों ने उसको महसूस किया है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों टर्म्स एक साथ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आया डिजिटलाइजेशन, जो कि चल रहा है, जिसको महसूस कर रहे हैं हम और आप, और कोविड ने उसकी सार्थकता को बढ़ा दिया है। एंड देन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर भी बात हो गई है, उसकी भी एक गठन उसका हो गया है, एक प्लानिंग हो गई है, एक उसका ब्लूप्रिंट बन गया है। क्या है वो? जिसको 5.0 यानी इंडस्ट्रियल IR 5.0, वेब 5.0 एंड एजुकेशन 5.0, ये तीनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। वेब भी ऐसे ही चल रहा है, वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, वेब 4.0 एंड वेब 5.0। उसी के समकक्ष एजुकेशन भी चल रहा है, उसी IR, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो जो फ्यूचर है वो पर्सनलाइजेशन है। क्या है फ्यूचर? द फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्री 5.0 विल बी फोकस्ड ऑन द कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड मशीन। अब जब आप मैन एंड मशीन की बात करते हैं तो आपको याद आएगा, आप जोड़ सकते हैं किससे इसको? कनेक्टिविज्म से। कनेक्टिविज्म कौन सी थ्योरी है? डिजिटल एज की थ्योरी है, जो जोड़ती है किसको? मैन और मशीन को। ओके, देन आगे इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, अगर हम एजुकेशन का इवोल्यूशन IR के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहले क्या था? एजुकेशन 1.0। तब क्या बात हो रही थी? तब बात हो रही थी कि लर्नर्स एज रिसेप्टेकल्स ऑफ नॉलेज, जो लर्नर हैं वो सिर्फ ज्ञान ग्रहण कर रहा है और टीचर सिर्फ उसको ज्ञान प्रदान कर रहा है और टीचर सेंटर्ड है सब कुछ। देन उसके बाद आया एजुकेशन 2.0। एजुकेशन 2.0 में क्या है? कोलैबोरेशन आ गया, सोशल नेटवर्किंग आ गया, आपका ट्विटर, विकी, ये सब आ गया। यहाँ पे टीचर क्या है? एज ऑर्केस्ट्रेटर है, मतलब कि पूरी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं है। देन एजुकेशन 3.0, देखिए आप जब इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम कहीं ना कहीं अभी भी एजुकेशन 2.0 और 3.0 के बीच में ही कहीं हैं, बल्कि अभी करेंट जो चल रहा है वो एजुकेशन 4.0 चल रहा है, बल्कि एजुकेशन 5.0 की बात की जा रही है। तो एजुकेशन 3.0 में क्या होता है कि लर्नर्स एज कनेक्टर्स, क्रिएटर्स एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो स्टिल वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग लर्नर्स हु आर कंस्ट्रक्टिविस्ट, हु आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग। यहाँ पे क्या है? लर्नर्स एज टीचर्स, मतलब कि रोल में कोई हायरार्की नहीं है, है ना? टीचर जो है वो को लर्नर है, लर्नर जो है वो को टीचर है। लर्नर्स एज कंटेंट प्रोड्यूसर एंड शेयरर, सोशल नेटवर्क्स फॉर कनेक्टिंग, एजुकेटर ऑन रिसोर्स गाइड, ये सारी चीजें, डाइवर्सिटी ऑफ नेटवर्क, लर्नर एज कनेक्शन मेकर। फिर बात होती है एजुकेशन 4.0 की। एजुकेशन 4.0 में 3.0 से क्या अंतर है? 3.0 से और आगे बढ़ के अब हम कहाँ चले गए? इनोवेशन प्रोड्यूसिंग एजुकेशन, मतलब कि हम वो तरह की शिक्षा दे पाए, उस प्रकार की शिक्षा दे पाए जो नवाचार आधारित हो, यानी कि जो स्टूडेंट्स हों वो फॉलोअर्स ना हो के क्रिएटर्स हों, इनोवेटर्स हों, कुछ नया सोचें, कुछ स्टार्टअप करें, कुछ इनोवेशन लेकर आए, आइडियाज लाएं, ये सारी बातें। तो लेक्चर्स एंड मेमोराइजेशन से बढ़कर हम इनोवेशन तक पहुंच गए हैं, एजुकेशन 1 से एजुकेशन 4.0 तक। फिर डिजिटल नेटिव्स, ये बात मैं आपको इससे बताना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारी जो यूथ है, जो हमारा स्टूडेंट है, मोस्टली वो इस वर्ब को रिप्रेजेंट करता है डिजिटल नेटिव्स। बहुत
बहुत पॉपुलर वर्ड हो गया है, अब बहुत बात इस पर की जा रही है और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है कि मार्क प्रिंसकी ने 2001 में एक आर्टिकल लिखा डिजिटल नेटिव्स एंड डिजिटल इमाइग्रेंट्स, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो बड़ा गैप आ गया है, जो डिजिटल गैप आ गया है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो क्यों है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो तो इसी युग में पैदा हुआ, टेक्नोलॉजी के युग में पैदा हुआ, वो एकदम उससे फेमिलियर है, एकदम उसको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, क्यों, क्योंकि उसने जल्दी से उसको देख लिया, जल्दी शुरुआती वर्षों में उसने उसका उसको यूज करके देख लिया, और टीचर वो तो टेक्नोलॉजी उसके लिए एकदम मतलब अनोखी चीज है, एक ऐसी चीज जो उसने कभी यूज नहीं की, जो एकदम आप जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी माना जाता है कि कम हो रही है, आप में रिजिडिटी बढ़ रही है, तो रिजिडिटी छोड़ के फ्लेक्सिबिलिटी अपनाना पड़ेगा, तब डिजिटल चीजें हम सीख पाएंगे। तो ये डिजिटल नेटिव्स बहुत कैची, बहुत बजवर्ड, बहुत पॉपुलर टर्म है, तो हमें जानना चाहिए, टर्म मार्क प्रिंसकी ने दिया है, और ये क्या कहते हैं, बॉर्न आफ्टर द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के बाद पैदा हुए, यानी कि 2000 के बाद इनका बर्थ ईयर है, एक्सपोज टू टेक्नोलॉजी इन द अर्ली ईयर्स, और अर्ली मतलब शुरुआती सालों में ही उनको टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर हो गया, ग्रेटर फेमिलियरिटी विद एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इनको टेक्नोलॉजी से अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया है, और इनके और भी कई नाम है, जैसे जेन टेक, पोस्ट मिलेनियल्स, जेन वाईफाई, जूमर्स एक्सेट्रा नामों से भी जाने जाते हैं। देन करेक्टरिस्टिक्स, क्यों हमको पता होनी चाहिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स, इसलिए कि बीइंग अ टीचर हम उनको पहचान पाए, हमें पता हो कि ये इनके गुण हैं, तो इनके हिसाब से हमको अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी को मैनिपुलेट करना है, मॉडिफाई करना है। दे आर मल्टीटास्किंग, है ना, एक साथ कई सारे काम कर सकने की आदत है उनको, हैबिट है, यू कैन से दे आर इंट्यूटिव लर्नर हु डिजिटल नेटिव्स, दे आर लेस लाइकली टू व्यू पीपल इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इसीलिए धर्म जाति के बंधनों से ये लोग मुक्त हैं, आप लोग मुक्त हैं, क्यों, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है ना, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर कोई जिसके पास इंटरनेट है वो एक समान है। वैल्यू स्पीड, ये लोग, ये बच्चे, ये इंडिविजुअल स्पीड को वैल्यू देते हैं, मतलब हर चीज फास्ट, फास्ट राइडिंग, फास्ट जल्दी पहुंचना है, जल्दी करना है, सब कुछ जल्दी जल्दी, एंड वांट इमीडिएट फीडबैक, इसीलिए इनको फीडबैक भी क्या चाहिए, इमीडिएट चाहिए, डिलेड फीडबैक से इनका नहीं काम चलता है और टीचिंग मतलब लर्निंग इनकी बढ़िया नहीं होती है। देन ये बहुत बढ़िया शब्द, बहुत बढ़िया कंसेप्ट मुझे लगा, जब से मैंने इसको जाना तब से मुझे लग रहा था मैं आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं, हाफ लाइफ ऑफ नॉलेज। हम सब लोग जब 6th 7th 8th तक साइंस पढ़ते हैं, सभी कोई भी बैकग्राउंड के हो, 8th तक आप साइंस पढ़कर आते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई जाती है, उसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो उसमें से रेज निकलती रहती है, इसलिए वो डीके होता रहता है और एक समय में खत्म हो जाता है, तो वो उसकी हाफ लाइफ होती है। तो नॉलेज के संदर्भ में हाफ लाइफ क्या है, ये कंसेप्ट फ्रिट्ज मैकलप ने 1962 में ही दे दिया था, देखिए हम लोग इतने सालों बाद 50 साल बीत गए से ज्यादा तब जान पा रहे हैं इस कंसेप्ट को, कि हाउ मेनी बुक्स बिकम ऑब्सोलीट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस ड्यूरेशन बिकम लेसर एंड इवन लेसर नाउ, मतलब कि कितने समय में किताबें जो हैं वो बेकार हो जा रही हैं, ऑब्सोलीट हो जा रही हैं, उनका ज्ञान जो है वो हमारे किसी काम का नहीं रह जा रहा है, वो जो समय अंतराल है वो घटता जा रहा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी किताबों को अपडेट करना पड़ेगा वरना वो किसी काम की नहीं रह जाएंगी, इसी तरह से रद्दी में बैठ रखी जाएंगी, क्यों, क्योंकि जो ज्ञान है वो इतनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है, एकदम नॉलेज इकोनॉमी है आपकी, इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, बड़े बड़े शब्द हैं, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन का एकदम क्रांति है, तो इसलिए अपडेशन जरूरी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए सीखते रहना जरूरी है। सो अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर द नॉलेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स टू बिकम ऑब्सोलीट आफ्टर दे लीव एजुकेशन एंड ज्वाइन द वर्कफोर्स, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने आता है, कोई कोर्स में एंट्री लेता है, तो जितने समय में पहले वो कोर्स कंप्लीट करेगा, फिर पास आउट होगा, डिग्री मिलेगी, फिर प्रिपरेशन करेगा जॉब में जाने के लिए, फिर वो जॉब के लिए सिलेक्ट अगर होगा, तो जिस टाइम वो एडमिशन लिया उस कोर्स में और जब उसकी जॉब लग रही, तो वो जो समयांतराल है उतनी देर में तो नॉलेज बदल जा रही, उतनी देर में तो पढ़ा लिखा बेकार हो जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि हम अपडेट होते रहें, सीखते रहें, जानते रहें, पढ़ते रहें। ओके, देन लर्निंग, हम आ रहे हैं ई लर्निंग पे, लेकिन ये सारी बातें लर्निंग, ई लर्निंग तक पहुंचने के लिए जरूरी थी, कि हम सब लोग लर्निंग पर बात कर चुके हैं, लर्निंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंशन है, पर्सनल इंटरेस्ट है, मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ इनिशिएटेड होनी चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, वी हैव टू हैव क्यूरियस टू लर्न, इट शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब वर्ड क्लाउड आप बनाते हैं तो जानते हैं जो वर्ड सबसे ज्यादा बार यूज होता है वो सबसे बड़ा आता है, लेकिन फिर छोटा 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 छोटा, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें जीवन पर्यंत सतत सीखते रहना है। देन लर्निंग हैबिट्स ऑफ डिजिटल नेटिव्स, क्यों जानना है, बिकॉज वी आर
वी हैव टू टीच डिजिटल नेटिव्स, और डिजिटल नेटिव्स को भी जानना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए कि इनका अटेंशन स्पैन कम है. इसलिए हम इसको कैसे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसका क्या निकल सकता है कि हम 6, 8, 10 मिनट के बाद कोई उनसे जोक शेयर कर लें, कोई उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर कर लें, कुछ ऐसी चीज़ पूछ लें जिसे वापस उनको हम कक्षा में, लेक्चर में, कार्यक्रम में वापस ला सकें, वरना इतनी देर के बाद तो उनका दिमाग कहीं और चला जाएगा. देन प्रीफर शॉर्ट बाइट साइज्ड कंटेंट, यानी कि हम उनको छोटा छोटा कंटेंट देंगे, बहुत लंबा बड़ा कंटेंट उनको नहीं देंगे. लुक अप एंड एक्सेस कंटेंट डिफरेंटली, ये उनकी एक खास लर्निंग हैबिट है. देन दे प्रिफर रिच इंगेजिंग एंड मल्टीमीडिया कंटेंट, मतलब कि हम कई सारे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे कि मल्टीमीडिया का क्या मतलब होता है कि टेक्स्ट भी, ग्राफिक्स भी, एनिमेशन भी, ऑडियो, वीडियो, जितनी तरीके से हम कोशिश कर सकें उतनी तरीके से हमको मल्टीमीडिया मोड में उनको कंटेंट देना होगा. एंड दे लव टू लर्न ऑन द गो, एनी टाइम, एनी वेयर ऑन मोबाइल डिवाइसेज. आप जान रहे हैं कि अब तो एम लर्निंग का जमाना है, मोबाइल लर्निंग हो रही है, एवरी आप मोबाइल हैं, मतलब गतिशील अवस्था में आप सीख सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है, यू कैन से बहुत बड़ा चमत्कार है, जो कि हम जब थे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स तो हमें ये उपलब्ध नहीं था. ओके, देन लर्निंग स्टाइल्स. देखिए लर्निंग स्टाइल्स पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, सिर्फ यहाँ पे आपको क्विक रिव्यू कराती हूँ कि ये हमने वही वाला ले रखा है, कौन सा, किस सब पर बेस्ड है, ये हॉवर्ड गार्डनर का है ना. तो विजुअल हो सकता है, म्यूजिकल ऑडिटरी हो सकता है, फिजिकल काइनेस्थेटिक हो सकता है, वर्बल हो सकता है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, सोशल एंड सॉलिटरी. इतनी प्रकार के लर्निंग स्टाइल्स हो सकते हैं इन अकॉर्डिंग्स टू मल्टीपल इंटेलिजेंसेज ऑफ हॉवर्ड गार्डनर. बट देर इज वन मोर स्टाइल एंड विच इज सॉरी most popular and which one is that, it is combination of all those or combination of few ones, है ना, कि हम visual verbal मिलाकर सीखते हैं या musical auditory plus physical kinesthetic हो सकता है या इन सब का combination हो सकता है. तो resultant क्या निकल के आएगा, resultant निकल के आएगा multimodal learning, यानी कि जो हम सीखें, पढ़ें, पढ़ाएं उसको बहुत सारे modes में पढ़ाएं. यही इसका gist है कि हमको सिर्फ verbally बात नहीं करनी चाहिए बल्कि कुछ लिखित material भी दें, कुछ लिखित ना दें बल्कि कुछ बोल के भी सुनाएं, फिर कुछ hands on भी करा लें, कुछ उनको group में activity करा लें, कुछ activity उनको सिंगुलर, मतलब आई मीन सॉलिटरी वे में कराएं, कुछ कोलैबोरेशन से कराएं, कुछ नेचर के पास जाके कराएं, इसीलिए लाइफ हम लोग ना एक्सकर्शन वगैरह पर जाते हैं. तो ये सारा कुछ अगर हम इंक्लूड करके उनको लर्निंग देंगे, किनको, डिजिटल नेटिव्स को, बिकॉज वी आवर स्टूडेंट्स आर ऑफ डिजिटल नेटिव्स नेचर, तो उनकी लर्निंग बेहतर होगी. अब आइए ई लर्निंग पे. तो ई लर्निंग क्या है, ई बस हमने जोड़ा ना लर्निंग में, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक. तो जितना कुछ इलेक्ट्रॉनिकली इनेबल्ड होगा वो सब कुछ ई लर्निंग के तहत आ जाएगा. तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ई मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई गैजेट्स, ई शॉपिंग, ई कोलेबोरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक बस उसमें इंक्लूड कर दिया गया, बाकी चीजें वही हैं. तो इसको और किन किन नामों से जानते हैं, जैसे ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, या लर्निंग दैट इज इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, या टिपिकली कंडक्टेड ऑन इंटरनेट. देखिए एक बात और खास ध्यान देने वाली है, ई लर्निंग के टाइप्स जब हम बताते हैं तो दो हो सकते हैं, कौन कौन से, कंप्यूटर मीडिएटेड एंड ऑनलाइन. अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन है तो कंप्यूटर वाला तो ऑनलाइन है, लेकिन कंप्यूटर मीडिएटेड लर्निंग विदाउट ऑनलाइन भी तो पर संभव है, लेकिन हम लोग इतना ऑनलाइन के आदि हो गए हैं, या आप कहें कि ऑनलाइन के बिना काम नहीं चलता है, तो हमें लगता है कि कंप्यूटर मीडिएटेड है तो ऑनलाइन ही होगा, है ना. ऑफलाइन भी तो बहुत काम होता है कंप्यूटर पे, है ना, टाइपिंग करने के लिए आपको ऑनलाइन की जरूरत नहीं है. ओके, तो ये है. फिर लर्नर्स कैन लर्न एट एनी टाइम, एनी वेयर एंड एट एनी पेस. ये ई लर्निंग ने जो हमको ये जो ताकत दे दी सीखने की, वो ऑफलाइन मोड में संभव नहीं था कि हम कभी भी कहीं भी किसी भी हिसाब से पढ़ सकें. ये बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है. देन टाइप्स, कितने प्रकार की ई लर्निंग है, बहुत तरीके की हो सकती है, पर मैंने उसमें से कुछ ही सॉर्ट आउट करके रखी है आपके लिए. सबसे पहले कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर की सहायता से आपको दिया जाए, है ना. जैसे ईमेल पे हम आपको कुछ बातचीत कर रहे हैं, वहाँ क्वेश्चन दिया, वहाँ आपने आंसर, कहीं भी आपने कुछ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया तो वो सब कुछ सीएआई के अंतर्गत आ जाएगा. फिर सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, मोस्टली यू हैव टू नो या आपको पता होगा ही कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या है. सिंक्रोनस का मतलब है कि जब आपकी लाइव क्लास चलती है, जब आप कोई वेबिनार में पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप कोई सेमिनार, वेबिनार, सिंपोजियम करते हैं जिसमें रिसोर्स पर्सन भी ऑनलाइन होता है, आप भी ऑनलाइन होते हैं, तो फायदा क्या होता है कि रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, उसे अपनी कोई क्वेरी है वो सॉल्व करा सकते हैं. लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको उस वक्त सब कुछ काम अपना छोड़ के उसी वक्त ऑनलाइन आना है. ओके,
एसिंक्रोनस में क्या है कि हम कभी और ऑनलाइन आएंगे, आप कभी और ऑनलाइन आएंगे, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई सवेरे उठकर पढ़ना चाहता है तो वो सवेरे सुन सकता है, कोई देर रात तक जब तक पढ़ने की आदत है वो तब पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको इंस्ट्रक्टर नहीं मिलता है, हमको रियल टाइम फीडबैक नहीं मिलता है, रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं होता है, ये इसका नुकसान है। तो दोनों के कुछ फायदे कुछ नुकसान है। और एडेप्टिव ई लर्निंग यानी कि ई लर्निंग जब पर्सनलाइज हो, लर्नर के नीड के हिसाब से हम उसको अडेप्ट कर लें तो वो अडेप्टिव ई लर्निंग है। इंटरेक्टिव ई लर्निंग मतलब हम इंटरेक्शन भी उसमें सीख कर सकें, डिस्कशन फोरम हो, इंटरेक्शन चल रहा हो, पीयर ट्यूटरिंग चल रही हो, देन कोलैबोरेटिव ई लर्निंग। तो इतने प्रकार के और भी कई प्रकारों की ई लर्निंग हो सकती है। देन एडवांटेजेस, क्या कुछ फायदे हैं, बहुत सारे, वो सब फायदे जो हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में मिस किए। जैसे सेल्फ पेस्ड सबसे बड़ा फायदा है इसका, क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को हमको कैटर करना है, हमको सबको हिसाब से चलना है, सबके हिसाब से पढ़ाना है। तो ये सिर्फ ई लर्निंग में पॉसिबल है कि हमने आपको एक फ्लेक्सिबल कोर्स 4 वीक का लॉन्च करके दे दिया, उसको आप चाहिए तो 4 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, 4 वीक 40 दिन में कीजिए, या 4 वीक में कीजिए, या वो मतलब एक बार खत्म होने के बाद वो आपको ऑफर देते हैं कौन, कोर्स प्रोवाइडर्स, कि ठीक है आप नहीं कर पाए तो इसकी डेडलाइन बढ़ा लीजिए और फिर कर लीजिए, कई रिमाइंडर आपको देते हैं। तो स्लो लर्नर भी कर सकता है और एडवांस लर्नर भी कर सकता है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हम नॉर्मल क्लासरूम्स में आपको ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग से नहीं दे पाते हैं। देन इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, क्यों, क्योंकि एक बार जो भी आपने पैसा लगा के, श्रम लगा के, इनपुट लगा के कोर्स बना दिया, आप उसको रीरन कर सकते हैं, रीरन many times, innumerable times, है ना। तो cost effective है, individual learning style इसमें cater हो सकती है, visual, भाई जैसे course होता है ना, जैसे MOOCs वगैरह होते हैं, स्वयं के courses हैं, तो वो क्या करते हैं, वो video भी देते हैं, उसी का transcript भी देते हैं, वो audio भी है, तो आपको transcript पढ़ने में मजा आती है, आप उससे पढ़ लीजिए, आपको video से ज्यादा बेहतर समझ में आता है आप उससे कर लीजिए, तो कई learning styles को cater करता है। Then customizable learning environment, है ना, लर्नर के हिसाब से लर्निंग एनवायरनमेंट सेट किया जा सकता है इसमें। कैन सॉल्व टीचर स्कैर्सिटी, एक बढ़िया टीचर, कई का लेक्चर आप हर स्कूल में सुनिए, हर कॉलेज में सुनिए, हर यूनिवर्सिटी में सुनिए, इट कैन बी पॉसिबल ना, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन ऑफलाइन मोड। देन इट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिकॉज देर इज नो वेस्टेज ऑफ पेपर, देर इज नो पोल्यूशन ऑफ रोड पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, बिकॉज किसी को कहीं निकल के आना जाना नहीं है, सब लोग अपने अपने घरों में बैठ कर सकते हैं। एंड टाइम इफिशियंट, है ना, टाइम बर्बाद नहीं होता है, जिस वक्त हमको ऑफलाइन जाकर कहीं क्लास लेनी हो तो पहले हम घर से निकलते हैं, तैयार होते हैं, रास्ते का धूल पोल्यूशन जाम झेल कर वहाँ पहुँचते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन मोड में है तो आप जहाँ बैठे हैं जब बैठे हैं तभी आप अपने आप को बस सिंगल क्लिक करके आप लेक्चर सुन सकते हैं या लेक्चर अटेंड कर सकते हैं या लेक्चर दे सकते हैं। ओके, देन ओके, तो ई लर्निंग प्रोसेस भी है साथ में, लेकिन फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा ना और अटेंशन स्पैन आपका खत्म हो रहा होगा बिकॉज यू आर डिजिटल नेटिव्स, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं ऑफ कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में ई लर्निंग प्रोसेस बताएंगे, तब उसके डिसएडवांटेजेस भी उसी में शेयर कर लेंगे, उसी में आपसे बात कर लेंगे। ओके, तो हम लोगों ने कई सारी नई बातें जानी, जैसे हाफ लाइफ ऑफ नॉलेज, डिजिटल नेटिव्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल नेटिव्स, एजुकेशन का इवोल्यूशन 1 से 4 तक, उसी तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये इवोल्यूशन या प्रोग्रेस 1 से 5 तक, है ना। तो क्योंकि ई लर्निंग तो बहुत लोग बहुत कुछ जाने लगे, पर ये सब कुछ पीछे बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रही थी मैं। सो मुझे लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ओके, सो डन फ्रॉम माई साइड।